मैं हूं सोनिया खान एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा क्वीन ऑफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे चिकन के कोफ्ते। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। आधा किलो मैंने कीमा लिया हुआ है चिकन का, धनिया साबित लिया है मैंने एक चम्मच, नमक लिया है जायके के मुताबिक, सूखी धनिया पाउडर लिया मैंने एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लिया एक चम्मच, गरम मसाला पाउडर लिया एक चम्मच, साबित मिर्ची लिए एक चम्मच। स्टार्ट करते हैं इसको मिक्स करना। हाँ, मैं इसमें मिक्स कर ली है। अब एक अंडा लिया है और मैंने डाला है और काली मिर्च जो है ना आधी चम्मच वो। अब तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है दोबारा से। अंडे के लिए मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है, इसके बाद हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं और आपसे शेयर करेंगे। दो घंटे गुजर चुके हैं, अब हमने इसके बॉल बना लेने हैं। इस तरह करके हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने कीमा उठाना है और इसमें कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ हमने नहीं डालनी। सबसे पहले हमने इस तरह करके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं इस तरह करके। साइड देखें, तमाम जो कीमा था उसके मैंने इस तरह करके बॉल बना ली हैं। हमने कढ़ाई ली है, इसको इसमें हमने तेल डाला हुआ है, गर्म होता है तो हमने इसमें कोफ्ते डालना स्टार्ट कर देने हैं। गर्म हो चुका है, स्टार्ट करते हैं कोफ्ते डालना। इस तरह करके फ्लेम हमने मीडियम कर देनी है ताकि ये अंदर तक पक जाए। लो फ्लेम पर पकानी है। कोफ्ते इसमें मैंने डाल दिए हैं, जैसे ही एक साइड से पकते हैं हमने साइड चेंज किए। एक साइड से हमारे कोफ्ते तैयार हो चुकी हैं, अब हमें इसकी साइड चेंज कर देनी है इस तरह आराम से। चिकन कोफ्ते तैयार हो चुकी है, अब हम इसको निकालते हैं और मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कोफ्ते के लिए हम मसाला बना रहे हैं। दो अदद मैंने प्याज लिए हैं, बारीक काट ली हैं। दो चम्मच मैंने बड़े जो हैं घी के लिए हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है। आँच हमने थोड़ी, ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हमने दो अदर टमाटर लिए हैं जिसे बारीक काट दिया है तकरीबन, और इसमें चार से पाँच मिर्चें हरी। अदरक डालने के बाद अब हमने एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लिया, ये डाल देना है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डालना, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। हमने टमाटर को गला देना है बिल्कुल। और अब हमने लिया हुआ है आधी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच भर के हमने लेना है लाल मिर्च पाउडर, नमक लेना है हमने जायके के मुताबिक, इतना ज़्यादा नहीं डालना, कोफ्तों में ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। ब्लैक पेपर हमने तकरीबन एक चम्मच ली है। अब हमने लेनी है तकरीबन आधी चम्मच हमने साबित मिर्ची, ये ले लेनी है, डाल देनी है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते हैं और मसाला अपना हम बनाते हैं ताकि जैसा गला हुआ बने। कोफ्ते मैं निकाल चुकी हूँ, हमारा बहुत अच्छे से बन चुका है। अब हमने चार अदद अंडे लिए हैं, उसको हमने उबाल दिया था। डालते हैं मसाले में हमने तमाम जो कोफ्ते बनाए हैं और जो एग उबाले हुए हैं अलग से, वो भी हमने इसमें डाल देने हैं। और दो से तीन मिनट तक तकरीबन हमने इसको मज़ीद भूनना है। देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया हमारे अंडे कोफ्ते पे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डालना है आधे गिलास के करीब, और उसके बाद हमें इसको डिश आउट करना है। ये देखें, चलो ग्रेवी नहीं छोड़नी मैंने इसमें, फिर ये मैंने इसलिए डाला है ताकि जितना मसाला जाता है कोफ्तों पे और अंडों पे अच्छे से। अंडा कोफ्ता तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारा चिकन कोफ्ता और अंडा तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए।